अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कल राजीव के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर प्रदर्शन किया गया। छात्रों का आरोप है कि शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 120 छात्रों का छात्रवृत्ति प्रदान नहीं किया गया है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों के डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि बताया गया, जिसका समाधान आज 2 साल बाद भी नहीं हो पाया है। विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन यहाँ पुत्रादान उच्च शिक्षा विभाग के किया गया, जिसका बहुत बड़ा कारण था कि राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 120 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या उच्च शिक्षा विभाग के पुतलादान के लिए उपस्थित हुई थी। और विद्यार्थी परिषद की बड़ी मांग थी कि जो 120 विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उनको जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दिया जाए, और अगर उन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप नहीं दिया तो विद्यार्थी परिषद इससे बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। और यह छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं, इसे लेकर कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर पुलिस के साथ छीना झपटी हुई। छात्र संगठन का आरोप है कि 120 छात्रों का छात्रवृत्ति कॉलेज प्रबंधन के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। छात्रों के द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में पूछे जाने पर प्राचार्य के द्वारा कॉलेज से रिस्टिगेट करने की बात कही गई। इन छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, नहीं तो आगे जिला स्तर पर और उग्र आंदोलन आने वाले दिनों में करने की बात कही गई।